जी हेलो, राम राम। आमतौर पर ऐसा नजारा क्रिकेट के स्टेडियमों में नजर आता है या ओलंपिक के उद्घाटन समारोहों में, लेकिन यहाँ एक गरीब राज्य सूचना क्रांति का उत्सव मनाने के लिए जमा हुआ है। इस उत्सव में सरकार एक बाजार है और जनता खरीदार। बाजार में चमक दमक की जरूरत पड़ती है, इसलिए जिस सूबे की 48% आबादी 48 रुपए रोज से कम पर गुजारा करती हो, वहाँ की सरकार मोबाइल बांटने के लिए मुंबई से कंगना रनौत को बुलाती है। हमारे अतिथि का जोरदार स्वागत। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में नौजवान ऐसे भरे हुए थे जैसे उन्हें नौकरियों का नियुक्ति पत्र मिलने वाला। हजारों छात्रों की वर्दी बता रही है कि वो सीधे स्कूल और कॉलेज से चले आए हैं। लालच ही ऐसा था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 55 लाख लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने का ऐलान किया है। 40 लाख बहनों को ये मोबाइल का वितरण होगा। 1600 टावर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले रमन सिंह ने स्काई योजना की शुरुआत की। नाम से ही साफ है कि आसमानी योजना है, मतलब इस योजना का रोटी से, रोजगार से, तरक्की से, सदाचार से कोई लेना देना नहीं। नौजवान उछल पड़े, हाथ में काम हो न हो, मोबाइल रहे तो वक्त कटते देर नहीं लगती। बहुत यूजफुल है मोबाइल के यूज के से आज पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडीज भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज से काम आती है। पहली बार वोट देने जाओगी अब तो? इस बार 18 साल की हो गई हो आप, किसे वोट दोगे? रमन सिंह। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करवाया है अभी तक, मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। रायपुर में भी बहुत जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इतना कुछ डेवलप हुआ है तो मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे देख के कि बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। रमन सिंह मानकर चल रहे हैं कि 55 लाख मोबाइल मतलब 55 लाख वोट तो कहीं नहीं गए। देखिए कि 1,68,00,000 कुल वोटर है छत्तीसगढ़ में। 70% मतदान हुआ तो 1,30,00,000 वोट पड़ेंगे और 55 लाख वोट केवल मोबाइल से तय हो गए। रमन सिंह ने दरअसल तुरुप का इक्का फेंक दिया है। 18 बरस के, 20 बरस के, 25 बरस के नौजवान के हाथ में जब पहला स्मार्टफोन आएगा तो फिदा ही हो जाएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं इसे इस फोन के खूबियों से समझिए। हर मोबाइल में जियो का सिम पहले से लगा हुआ है। करार के तहत 6 महीने तक कोई बिल नहीं आएगा। जितना चाहो कॉल करो, 1 GB डेटा रोज मुफ्त, मतलब चुनाव तक कोई पैसा नहीं चुकाना। और क्या चाहिए, सरकार का हुक्म है कि शहर से लेकर जंगल तक मोबाइल हाथों हाथ बांट दिए जाए। इसे चुनावी चाल इसलिए कहा जा रहा है कि 18 साल की लड़कियों को मोबाइल मिलेंगे, 21 साल के लड़कों को मोबाइल फोन देंगे, हर APL परिवार की एक महिला को मोबाइल देंगे, हर BPL परिवार की एक महिला को भी मोबाइल देंगे। हम मोबाइल बांटने का विरोध नहीं करते, लेकिन ज्यादा अच्छे मोबाइल देने थे, सबको मोबाइल देने थे। किसानों को, मजदूरों को, वर्किंग क्लास को क्यों वंचित रखा गया है, हम कारण समझने में असमर्थ हैं। और रमन सिंह जी खुद जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही मोबाइल लोगों को दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब जरा इस योजना का खर्च भी सुन लीजिए, दिमाग चकरा जाने का अंदेशा है। लेकिन जो सच है वो सच है, 6,000 रुपए के इस माइक्रोमैक्स मोबाइल की बाजार में कीमत है 5,999 रुपए और सरकार ने मोल तोल के बाद इसे खरीदा है 4,142 रुपए में। मतलब सरकार इस योजना पर खर्च करने वाली है 22,78,10,00,000 रुपए। कहना फिजूल है कि 22,00,00,000 रुपए में क्या हो सकता था। छत्तीसगढ़ के हर दूसरे जिले में नया एम्स खुल जाता, इसी रकम में 17 नई यूनिवर्सिटी खुल जाती, इसी रकम से 2,000 नए हाई स्कूल खुल जाते, 5,000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाते। लेकिन सरकार ने चुना है कि लोग बातें करते रहें, मुफ्त के डेटा पर गाने सुने, फिल्में देखें, अफवाहों का बाजार कैसे फैलेगा इस पर भी सोचिएगा कभी। बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी स्काई योजना कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रही है। बहरहाल यह देखना गौरतलब होगा कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं और नौजवानों के वोटों को कबाड़ने के लिए यह योजना कितनी कारगर साबित होगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर आज तक।